ओम, मैं हूँ आपके साथ दीक्षा भानुप्रिया और ये वागीशा पांडे। आज हम बात करेंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट के बारे में, दरवाजे के पीछे जनता की चकल्लस। इस सभी में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करेंगे कि गुमटी के पास, पेड़ों के नीचे और दरवाजे के पीछे जनता किन किन मुद्दों पर क्या चकल्लस करती है। मुद्दे तो होते हैं लेकिन जनता करती है चकल्लस। दरवाजे के पीछे हो, गुमटी के नीचे हो, छांव हो, जनता व्यस्त हो या फिर फुर्सत में, लेकिन जनता चकल्लस करना नहीं भूलती। हमारी जनता की पहली चकल्लस ये है कि आखिरकार मोदी जो है वो इंटरव्यू से इतना दूर रहते हैं तो उन्होंने अक्षय कुमार को इतनी देर का इंटरव्यू क्यों दे दिया, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। जनता की बात यह है, जनता चकल्लस कर रही है भाई, महिलाएं हो, युद्ध हो, बच्चे हो, लोगों का यही कहना है कि जब बॉलीवुड का खिलाड़ी आया तो मोदी जी ने आगे रहकर इंटरव्यू दिया। एक तरफ बॉलीवुड का खिलाड़ी और दूसरी तरफ देश का खिलाड़ी, आखिर हो सकता है दोनों एक साथ राजनीति में जीते। एक तरफ बॉलीवुड का खिलाड़ी जब देश का खिलाड़ी का इंटरव्यू लेता है तो लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि अक्षय कुमार भाजपा में शामिल हो जाए जी। या फिर एक सर महिलाएं कहती है, बच्चे कह रहे हैं कि हो सकता है अब दोनों खिलाड़ी मिलकर इस देश को चलाए। दूसरी चकल्लस हमारी यह है कि आखिर जब अक्षय कुमार ने पूछा मोदी जी से कि आपको नींद क्यों नहीं आती, तो फिर जनता की चकल्लस क्या कहती है। जनता की चकल्लस मोदी जी की नींद के बारे में ही कह रही है कि वो वैसे तो दिन भर इतना काम करते हैं लेकिन फिर भी नहीं थकते, तो आखिरकार इसके पीछे क्या वजह होती है कि वो सिर्फ 3 घंटे की ही नींद लेते हैं। तो जनता एक तरफ ये भी कह रही है कि मोदी जी इतने दानवीर हैं तो हो सकता है कि उन्होंने अपने घर के सारे फ्रिज जो है, कूलर है या जितनी भी चीजें हैं जो उनको गर्मी से बचा सकती है वो किसी को दान कर दी हो, इसलिए भी उनको नींद नहीं आ रही हो। और शायद उनके मन में एक विचार ये भी है कि वो लोकसभा चुनाव जो है उसमें उनको हार का डर है, इस वजह से उनकी नींद उड़ गई है। तो जनता की चकल्लस में जनता ये भी सवाल कर रही है, जनता ये भी चकल्लस कर रही है कि आखिरकार फैशन और राजनीति जुड़ गई है तो क्या आने वाले समय में मोदी जी और अक्षय कुमार का क्या फ्लो बन सकता है और फैशन और राजनीति कैसे जुड़ सकते हैं। जनता के चकल्लस में एक और बात है, यह है कि जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी की बायोपिक बनी तो लोग कह रहे हैं कि भाई अक्षय कुमार भी बायोपिक कर सकते हैं या फिर प्रधानमंत्री मोदी बॉलीवुड में फैशन डिजाइनर बन जाए। जिस तरह अक्षय कुमार ने सवाल किया कि आप फुल आस्तीन का कुर्ता पहनते हैं और इन दिनों मोदी की जैकेट मार्केट में काफी चल रही है, लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, मैं भी चौकीदार के नारे लगा रहे हैं, तो अक्षय कुमार ने कहा कि जो आपका फैशन सेंस है उसको लेकर आपको क्या कहना है। तो जनता की चकल्लस क्या कहती है उस बीच। जनता की चकल्लस ये कहती है, पहले तो मैं मोदी जी का जवाब बता देती हूँ। मोदी जी ने ये बोला कि भैया मैं छोटे से बैग में कपड़े लेके जाता था और पूरी वहां के जो कुर्ते थे वो ज्यादा जगह घेर लेते थे, तो उस जगह को कम करने के लिए मैंने अपने कुर्ते की बाहें काट दी ताकि जगह वहां पर हो जाए और लोगों ने उसको फैशन सेंस बना लिया। तो हो सकता है कि आने वाले समय में मोदी जी फैशन इंडस्ट्री में उतर जाए और वो अक्षय कुमार जैसे कपड़े पहनने लग जाए। एक तरफ जनता की चकल्लस कहती है कि हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी के कपड़े अक्षय कुमार पहने और अक्षय कुमार के कपड़े मोदी जी पहने जी। तो आखिर देखिए तो सही जनता की चकल्लस। एक और चकल्लस सामने आई, जब मैं जा रही थी तब कुछ लड़के बात कर रहे थे कि भाई जब अक्षय कुमार ने पूछा कि आप आम भी खाते हैं या गुठली भी खाते हैं, तब क्या कह रही थी जनता की चकल्लस, कह रही थी कि लोकसभा चुनाव आने वाला है, प्रधानमंत्री मोदी सोच रहे हैं कि अगर आम खाना है तो गुठली खाना भी बहुत जरूरी है जी। क्योंकि लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो इतने सारे प्रत्याशी है, हर जगह से मोदी जी जीत की उम्मीद नहीं लगा सकते, हर जगह से उनको आम खाने को नहीं मिल सकता है, हो सकता है कहीं ना कहीं से उनको गुठलियां भी खानी पड़े। जिस तरह विधानसभा चुनाव में तीनों जगह से, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तीनों जगह से आम हासिल नहीं हुआ, सिर्फ गुठलियां ही मिली, तो हो सकता है कि इस बार मोदी जी सोच रहे हैं कि अगर मेरे को सभी जगह से आम खाना है तो गुठली भी खाना पड़ सकती है, गुठली तो निकलना पड़ेगी अगर आम खाने का आप शौक रखते हैं। एक और जनता चकल्लस कर रही कि भारी रैली हो रही है, सभाएं हो रही है, तो मोदी जी सोच रहे हैं कि आम साथ में रखूं ताकि रैली करते करते एक जगह आम का जूस भी पीऊं। अच्छा, गर्मी में आम का वैसे भी मौसम होता है तो रैलियों के साथ आम का मजा। खैर, ये जनता की चकल्लस तो चलती है, मुद्दे तो बनते हैं, लोग बात तो करते हैं, लेकिन जनता की चकल्लस हमेशा जारी रहती है। अलग अलग प्रकार से अलग अलग लोग चकल्लस करते हैं, बातें करते हैं, अलग अलग तरह से लोग एक दूसरे से चर्चा करते हैं। तो ऐसे ही जनता की चकल्लस को लेकर हम आपके बीच आते रहेंगे। आप देखते रहिए दरवाजे के पीछे क्या है।
Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.